हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को GSMP क्लिनिकल न्यूज चैनल के अंतर्गत। बच्चे का पेट जो है हांडी के समान यदि होने लगे, बड़ा होने लगे, तो इसको हल्के में ना ले, बिल्कुल हल्के में ना ले। एक बार मैंने वीडियो इस पर भी बनाया था, लगभग इस पर 49-50 हजार का व्यू आया था। पेट हांडी के समान बच्चों को हो जाए, ये बीमारी भी देखा जाए तो बहुत सारे रोगियों में पाया जाता है, बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है। और इसको हल्के में लेते हैं, और इसको कृमि का बीमारी होता है, केचुए का बीमारी होता है। तो इसमें करते क्या है लोग, एल्बेल्डाजोल अंग्रेजी दवा का जो एल्बेल्डाजोल होता है, उसे कृमि मरता नहीं है कुछ दिनों के लिए, तो थोड़ा सा कुछ कृमि मरकर निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे वैसा ही रह जाते हैं और बाद में आपको उस एल्बेल्डाजोल से भी नहीं मार पाता है। एल्बेल्डाजोल उससे भी आपका सिम्टम जो है वो थोड़ा रह ही जाता है। तो 2000 बहुत स्टूडेंट लाइफ में एक रोगी थे जो मुकुंद जी देखते थे, MBBS थे, और बच्चे का पेट हांडी के समान हो गया था, और ऐसे बच्चा हो गया था। अब उसकी जान चली जाती कुछ दिनों में, और हमने ट्रीटमेंट किया, बच्चे तो ठीक हुए ही और उनका शरीर भी ठीक हो गया और रोटी भी खाने लगे, आधे टुकड़े रोटी पर बच्चा आ गया था, बुखार भी डेली रहने लगा था। ऐसे ऐसे केस हम पहले देखते थे, अभी कुछ दिनों के बाद में ऐसे ऐसे मरीज मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत डेंजरस बीमारी है, और बच्चे, एक बच्चे को माँ ही समझती है कि कितना दुख दर्द होता है बच्चे को लालन पालन करने में और कितना समय लगता है। यदि मान लीजिए कि आपका बच्चा 9-10 साल का है और डेथ कर जाता है, तो उस तरह के बच्चे को फिर आपको जन्म देने में दोबारा 10 साल फिर लगता है। इसलिए बच्चे से कभी भी मुंह न मोड़े, कोई भी बीमारी हो तो जरूर उसको दिखाइए। एक दिन आपको जब बच्चा आपका खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर आने वाला नहीं है, उस समय लगेगा काश ये हम किए होते, वो किए होते। मैं माना कि बहुत अच्छे डॉक्टर से आप मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर बदलना जरूरी है, क्योंकि एल्बेल्डाजोल से सभी बच्चों का कल्याण नहीं हो पाता है, और उसमें हो सकता है कि केचुए के कृमि के रोग के अतिरिक्त उनको लीवर का भी शिकायत हो, हेपेटाइटिस का भी शिकायत हो। तो सब लक्षण के आधार पर चलेगा होम्योपैथिक दवा तो बिल्कुल ये बीमारी ठीक हो जाता है, केवल कीड़ी की दवा से ठीक नहीं हो पाता है। यानी समय रहते पेट निकल, जो बार बार आपका निकल जा रहा है, ये जानलेवा हो सकता है, लेकिन समय रहते उपचार किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपका बच्चे का पेट अंदर चला जाएगा और एक दिन खा पीर करके काफी स्ट्रांग और स्मार्ट दिखने लगेंगे। पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि ऐसे मरीज को आप चाहे कहीं भी दिखा लिए हैं, आपके बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मौत के मुंह में उन्हें नहीं डालिए, सोचिए समझिए, समय रहते आप इलाज कराइए। आप हमारा भी साथ में इलाज ले सकते हैं, और कहीं का इलाज ले रहे हैं तो ले भी सकते हैं, दूसरे का भी, दोनों दवाइयां साथ में चला सकते हैं, तो बहुत कल्याण होगा आपका। क्योंकि बार बार आप एल्बेल्डाजोल इंजेक्शन डालेंगे तो बच्चे का और तबीयत बिगड़ सकता है। तो कहीं भी दिखा लिए हैं तो एक बार जरूर आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपके बच्चे जरूर ठीक होंगे। तो हमारा नंबर को आप नोट कर सकते हैं, 9801757533। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर है 7070003342, यानी 70-700-343-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, कल्पना करिए, अभी आपको बच्चे जब साथ में रहते हैं तो समझ में उतना नहीं आएगा, जिस दिन बच्चे बेहात हो जाएंगे तो बहुत आपको लगेगा, बहुत लगेगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, तो पछताना ना पड़े, समय से पहले इलाज करें, और बीमारी है तो एक डॉक्टर पर भरोसा किया,
उस पर कई डॉक्टर तैनात करिए, सभी से सलाह लीजिए, कोई ना कोई तो आपको अच्छा सलाह देगा ही। छोड़िए मत इस बीमारी को, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत करेगा, ये बीमारी जान ले सकता है बच्चे का। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। आप पूरे परिवार अपने बच्चे के साथ खुश रहें, बच्चा हमेशा आपके परिवार में बना रहे, उसकी मौजूदगी और उससे पूरे परिवार के लोग खुश रहते हैं बच्चे को देख करके, ये बात समझने की कोशिश करिए। और वही आपका बाद में भविष्य है, क्योंकि सब कोई बूढ़ा हो जाता है, अपना उत्तरदायित्व तो किसी बच्चे पर ही डालेगा, तो बच्चे ही एक दिन आपका गार्जियन है, उनको गार्जियन समझे, बच्चे न समझे। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।